आपका डॉक्टर सजल सरकार बीएचएमएस स्वच्छ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ते हुए कदम हो। दोस्तों आज जो टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वे भी काफी कॉमन है हमारे डे टू डे लाइफ में और उसका नाम है दोस्तों छींक या स्नेजी। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में काफी लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते हैं और उसी चीज को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इस तकलीफ को भी हम दूर करने के लिए कोशिश करें। और हमारे क्लिनिक में भी ऐसे पेशेंट काफ़ी समस्या लेके आते हैं जिनका ये समस्या रहता है वो भी ठीक होने का नाम ही लेते हैं। वे ये आशा में रहते हैं कि कुछ मिराकल हो जाए उनके जीवन में ताकि इस बीमारी से वे निजात पा सकते हैं। और सही मानिए दोस्तों ये लोग इस बीमारी से ऐसे चुटकी पाते हैं कि मुक्ति पाते हैं कि आप पूछिए मत। वे अंत में ये भी कह के जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये चमत्कार या मिराकल हो कैसे गया। जो व्यक्ति या जो पेशेंट दिन में 20 बार 30 बार छींकता रहता है आप उसी से पूछिए कि इस तकलीफ में उसको कैसा लगता है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, काफ़ी चिड़चिड़ापन हो जाता है क्योंकि वे दिन भर इसे छींकता ही रहता है, एक एक बार में 10 20 15 बार छींकता रहता है। और जब उनको इस समस्या दूर होता है तो वही लोग जानते हैं कि इसमें कितना उनको सुकून मिलता है। इसीलिए वे ये कह जाते हैं डॉक्टर साहब हमें ये मिराकल हो कैसा गया आपके दवाई से। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों इस वीडियो को बनाया गया है ताकि हमारे भारतवर्ष में और भी जितने लोग हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं इनको भी इस बीमारी से निजात मिल सके और वे भी इस बीमारी से छुटकारा पा सके। तो चलिए दोस्तों आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्नेजिंग? इट इज ए इन्फेक्शन ऑफ अवर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट वेयर पेशेंट suddenly forcefully expiration of breathing through his mouth and nose. मतलब पेशेंट सडन एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रीथ डिस्चार्ज करता है अपने नाक और माउथ के जरिए। What is the causative factor or etiology of the disease? क्या वजह है जिसके वजह ये बीमारी हमारे शरीर में आता है? रिनो वायरस एक मेजर फैक्टर है जो कोराइजा के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसको हम जुकाम कहते हैं और बहुत सारे केस में ये स्नेजिंग का भी वजह बनता है। अगर हम बॉडी टेम्परेचर को सडनली डाउन करते हैं कि जैसा हम खेल कूद के आते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं जिस टाइम में बॉडी हमारा गर्म रहता है और तुरंत अगर हम ठंडा पानी या फ्रिज का पानी बोल लीजिए बर्फ़ का पानी या एसी या कूलर के नीचे बैठ के बॉडी को सडनली ठंडा करने जाएं तो उस केस में भी हमें छींक का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ रेगुलर बेस में खाते हैं और तब भी ये बीमारी काफ़ी आसानी से हमें हो सकता है। डस्ट और पोल्यूशन एक बहुत बड़ा वजह है जिसको आप लोग हम लोग देखे होंगे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे कि हमें डस्ट नाक में या मुंह में लगता है तो हमें छींकना चालू हो जाता है। तो ये कुछ वजह है जिसके चलते ये बीमारी काफ़ी आसानी से हमारे शरीर में आ सकते हैं। What is the clinical feature and sign of symptoms? क्या क्या इसका sign of symptoms है clinical feature में? दोस्तों पेशेंट दिन भर तो छींकता ही रहता है, छींकते छींकते नाक में उसका इरिटेशन चालू हो जाता है, नाक में उसका खुजलाहट चालू हो जाता है, सिर उसका भारी रहता है, नाक में कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग इरिटेशन होने लगता है। कुछ पेशेंट माइनर केस में तो 2 3 4 बार ही छींकते हैं लेकिन मेजर केस में पेशेंट बार बार छींकता ही रहता है। इवन इस केस में मैं आप उन पेशेंट लोगों को ये निवेदन करूंगा कि आप अपने हाथों पे एक रुमाल या कॉटन का कपड़ा रखिए, जब भी आपको छींक आए तो नाक और मुंह में कपड़े को ढक दीजिए ताकि बीमारी या आपका नोज या माउथ से जो भी फॉरेन बॉडीज डिस्चार्ज हो रहा है दूसरे कोई पर्सन को अफेक्टेड ना करें। और रुमाल या हैंडकरचिप को या कॉटन कपड़ा को आप रेगुलर बेस में गर्म पानी में धुल लीजिए ताकि इन्फेक्शन ना रहे कपड़े में और दूसरे व्यक्ति भी इस बीमारी से ग्रसित ना हो।
दोस्तों, छींक से बहुत सारे लोग दिन भर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और छींकते छींकते ऐसे भी हो जाते हैं। कुछ पेशेंट जिनका कि सिर वगैरह भारी हो जाता है, नाक से पानी आना चालू हो जाता है, आंखों से भी कुछ कुछ केस में पानी आ जाते हैं और वे कुछ बोलने या सुनने लायक भी नहीं रहते हैं। वे ऐसे भी तकलीफ करते हैं कि कैसे करके इस बीमारी से भी निजात पाए, उनको कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका क्लिनिकल फीचर। अभी हम इसका डायग्नोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। डायग्नोसिस के लिए दोस्तों हम इसका एक्सपर्ट के ऊपर में ही तय करना चाहिए। वे भी तय करते हैं कि इसके लिए क्या क्या ब्लड एग्जामिनेशन किया जाए और कैसे इसको डायग्नोस किया जाए। बेसिकली हम ब्लड में TLC DLC का जांच करते हैं। अभी हम इसका प्रिकॉशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिकॉशन दोस्तों एक ऐसे पार्ट है कि इसको हम फॉलो करते हैं तो बीमारी आसानी से आता नहीं है या आने से भी आसानी से चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हैं तो ये भी 50% दवाई के जैसा ही काम में आता है। तो दोस्तों फर्स्ट प्रिकॉशन है कि सडनली हम अपने बॉडी टेम्परेचर को डाउन ना करें। जैसे कि हम खेल कूद के आते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं, हमको नॉर्मली कुछ देर तक बैठना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर हमें धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर को कूल करना चाहिए ताकि बॉडी नॉर्मली टेम्परेचर डाउन हो। डस्ट और पोल्यूशन जगह में हमें जाना नहीं चाहिए ताकि हमें डस्ट और पोल्यूशन नाक में वगैरह ना जाए और इरिटेशन वगैरह ना हो के छींक ना हो। बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ वगैरह खाना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे भी हमें जाना नहीं चाहिए अगर आपको ठंडे से एलर्जी है तो। ये दोस्तों कुछ प्रिकॉशन है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इस बीमारी से काफ़ी आसानी से निजात पा सकते हैं। और अभी हम इसका मेन पार्ट ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रीटमेंट है दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन है सावाडीला 30, जिसका कि 3 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। आर्सेनिक 200, जिसका कि 3 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। और एलियम सिपा 200, जिसका कि 3 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन को हमें दिन में 4 बार लेना है खाना खाने से पहले। दोस्तों दवाई लेने से पहले अगर आपका मन में कोई शंका हो तो आप बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आपका माइंड में जो भी समस्या जो भी शंका रहेगा ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। और बहुत सारे लोगों को मन में ये भी दुविधा रहता है कि होम्योपैथी दवाई लेने से शायद बीमारी बढ़ जाए। तो दोस्तों या व्यूअर्स, आप ये चीज़ को मान के चलिए कि ये ऐसा मिथ जो भी आपका माइंड में वो बिल्कुल ही गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सिस्टमेटिक वे से ही ट्रीटमेंट हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समस्या कब दूर हो गया है। दोस्तों आज आप हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है, जिसके चलते आप घर बैठे ही आपका समस्या को अपने मोबाइल पे टाइप करके आपको समस्या का समाधान का जानकारी 5 मिनट के अंदर में भी पा सकते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आपका कोई भी समस्या ऐसा हो जो आपका ठीक नहीं हो रहा हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस आप सभी लोगों को दे सकूं। और मुझे बहुत खुशी भी हो रहा है कि भारत के कोने कोने से लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके समस्या को मैं दूर भी कर रहा हूँ। और मैं आगे भी इसका प्रयास और ज़्यादा जारी रहेगा ताकि भारत के और भी लोगों का समस्या को मैं दूर कर सकूं। और आप लोगों के जानकारी में ऐसा आपके फ्रेंड सर्किल में रिलेटिव में किन्हीं का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर समस्या दूर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे एक बार निश्चिंत कांटेक्ट कीजिएगा। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपका लिए समाधान मार्ग जरूर दिखाऊंगा और आपका समस्या को दूर कर दूंगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। नमस्कार।